नपुंज और बुलेटिन की शुरुआत विपक्षी दलों की बड़ी बैठक से। मिशन 2024 को लेकर एजेंडा सेट किया गया। बैठक के बाद सब एक साथ मीडिया को संबोधित करते हुए भी नजर आए, लेकिन इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने दूरियां बनाई। हालांकि आम आदमी पार्टी को लेकर पहले ही खबरें ये भी आ रही थी कि कभी अध्यादेश को इस बैठक में प्राथमिकता देने का तो कभी कांग्रेस को अपना पक्ष साफ करने का। अब भले विपक्षी दलों की बैठक में सभी एक साथ नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होना कुछ तो सवाल खड़े करता है। तो आपको बता दें, क्योंकि एक अध्यादेश और उस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल जो है लगातार सबसे मुलाकात कर रहे हैं, तमाम राज्यों में जाके बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए दिखाई देते हैं। इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये जो बैठक होती है, इस बैठक में सबसे पहले अगर अध्यादेश के मामले पर चर्चा नहीं होगी तो वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि प्राथमिकता इस बैठक में इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होना है, इस पर बातचीत हो, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस अपना इस अध्यादेश को लेकर रुख साफ करे। इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने तमाम बयान दिए थे। और उसके बाद अब जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई थी उसमें सब तो नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल नजर नहीं आए, भगवंत मान नजर नहीं आए। उसके बाद दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, सब लोग साथ साथ लेकिन केजरीवाल अलग। पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेलिंग करते हैं, केजरीवाल की सभी पार्टियों ने अनदेखी कर दी है, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल की मानसिकता में कोई फर्क नहीं। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। शिवानंद जी, कल विपक्षी एकता की बैठक हुई, लेकिन बैठक में कुछ नेता जो हैं अपने अलग अलग एजेंडे को लेकर सामने आए। जैसे अलग अलग का मतलब आप कह रहे हैं बहुवचन में, तो कौन कौन आया? महबूबा मुफ्ती आए, केजरीवाल जी आए। महबूबा मुफ्ती ने तो बिल्कुल जिस लाइन पर बैठक हो रही थी और बाकी नेताओं ने बोला वही बात उन्होंने भी कहा, उनकी कोई लाइन अलग नहीं थी। केजरीवाल जी के बारे में आप कह सकते हैं, केजरीवाल जी ने शर्त रख दिया कि साहब हमारे यहाँ जो माने भारत सरकार ने ऑर्डिनेंस निकाल करके जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को माने अधिकार दिया था उसको छीन लिया, पहले आप उसके बारे में फैसला कीजिए। उनका टोन अलग था, वो उसके बारे में आप कह सकते हैं, और सब लोगों ने उसको इग्नोर किया। इसलिए कि आप जो है एक व्यापक जो गोलबंदी हो रही है भारत सरकार के खिलाफ, और क्यों गुलबंदी हो रही है उससे अलग आपका एजेंडा नहीं है, तो उनको धीरज रखना चाहिए था। और ये कहेंगे कि नहीं साहब हमारे ही शर्त पर बैठक होगा, तब तो आप में और नरेंद्र मोदी के मानसिकता में फर्क क्या रह गया भाई? पहलुआ सबने प्रशंसा किया, लेकिन एक चीज, केजरीवाल जो थे वो मीटिंग के बाद तुरंत निकल कर चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। केजरीवाल के बारे में तो हमने कह ही दिया, केजरीवाल के बारे में तो केजरीवाल कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि इतना बड़ा जो अभियान चला रहा है, चलाए की कोशिश हो रही है, उसको जो है उलट देंगे, ऐसा कोई ये नहीं है। नोटिस लेते हैं लोग केजरीवाल? पता नहीं, आप लेते होंगे ज़्यादा, हम तो नहीं नोटिस लेते हैं। क्या माने आप लोग नोटिस नहीं लेते हैं? ना हम लोगों के नोटिस लेने का तो खुद ही कह रहे हैं भाई, अलग ढंग से कह रहे हैं। वो आप जो है ब्लैकमेल करके आप नहीं कुछ कर सकते हैं भाई। राजनीति में जो ब्लैकमेलिंग की कोशिश हो रही है नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की, उसी के खिलाफ तो लड़ाई है, और आप उसी रास्ते को अख्तियार कीजिएगा तो लोग क्या कहेगा, आप में और उनमें क्या फर्क दिखाई देगा? उनका जो मुद्दा है वो मुद्दा पर किसी को विरोध नहीं है। भारत सरकार ने जो कुछ किया है, ऑर्डिनेंस लाया है, वो एंटी डेमोक्रेटिक है, लोकतंत्र का विरोधी जो है कहा जाएगा उसको। लेकिन आप कहिएगा कि सबसे पहले इसी पर फैसला हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ पर फैसला हो, इस पर कौन सा मत होगा? तो साफ तौर पर शिवानंद तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल को नोटिस नहीं लिया जाता है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रूपेंद्र से बात है, जी मीडिया पटना।
डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इसी दौरान उन्होंने कल हुई विपक्षी दलों की बैठक पर क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी को हराना मकसद है। बिहार की धरती ज्ञान की धरती है। यहां बड़े बड़े आंदोलन ऐसे हुए कि परिवर्तन हो गए। वहीं पर केजरीवाल की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक हुए और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती। जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन केजरीवाल नाराज, उसी मुद्दे को कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो हैं स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज़्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा ये बैठक हुई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। तो आपने तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। केजरीवाल का जब सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि केजरीवाल तो नाराज होकर चले गए, तो उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। केजरीवाल को लेकर अब तक उन्होंने भी बयान दे दिया है कि कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि यह देखा गया था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो केजरीवाल वहां पर मौजूद नहीं रहे। ये कहिए कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ से कोई भी वहां पर मौजूद नहीं रहता है, उनकी तरफ से कोई चीजें नहीं बोली जाती है, क्योंकि वह पहले जो है अध्यादेश को लेकर बातचीत करना चाहते थे लेकिन उस बात को लेकर आगे दिखाया नहीं गया। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बैठक में सभी लोग एक साथ दिखते हैं, चाहे वो स्टालिन हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर खड़गे हो, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हो, तमाम लोग साथ साथ दिखते हैं। शरद पवार भी इस बैठक में थे। तकरीबन 17 दल के बड़े नेता इसमें मौजूद थे और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सब लोग साथ बैठे हुए थे, बैठक में साथ थे, तो क्यों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो तमाम नेता तमाम बड़े दिग्गज पार्टियों के साथ में बैठे हुए थे, तो क्यों वहां से केजरीवाल ने दूरी बना ली। और वहीं हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, देखिए सबसे अहम सवाल ये आ जाता है कि जब पूरी बैठक साथ में कर ली, सब कुछ साथ में हो चुका था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में क्यों नहीं आए? क्या सिर्फ वही अध्यादेश वाली कहानी को वो केजरीवाल और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं? जी जरूर, केजरीवाल अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर अध्यादेश वाले एजेंडा को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही कारण है कि केजरीवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। और उस समय सबसे बड़ा बवाल हुआ कि जब मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद आपस में जो बीजेपी आरोप लगा रही है जिस तरह से कि बज्जक हुआ, आपस में जो है मनमुटाव हुए और उसके बाद वहाँ से केजरीवाल निकल गए। जिस तरह से शिवानंद तिवारी का बयान आया, शिवानंद तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि केजरीवाल को हम नोटिस नहीं लेते हैं, वो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि ब्लैकमेलर है नरेंद्र मोदी की तरह। तो देखिए आपस में जिस तरह से एक जोड़ होने की बात थी, एक जगह आने की बात थी, वो नहीं दिख रहा है। अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं, केजरीवाल अपने एजेंडे पर सेट हैं। वहीं अपने दर्शकों को बता दें कि महबूबा मुफ्ती जो दो दिन पहले पटना आई हुई थी वो अपने एजेंडे पर भी हैं कि 370 को लेकर वो लगातार वो कर रही हैं कि 370 जो हटाया गया उसे पुनः लागू किया जाए और आज 1 बजे उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। कुछ देर के बाद 1 बज चुके हैं, कुछ देर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। तो देखिए हर पार्टी अपने अपने एजेंडे को लेकर आई थी और अपने अपने एजेंडे को कहीं ना कहीं वो मजबूती के साथ रखना चाहती थी और केजरीवाल ने जो है थोड़े आगे रख कर अपने एजेंडे को मजबूत रखा और बोले कि इसके अलावा कोई बात ही नहीं हो सकती है, हमारे एजेंडे को मानिए तो फिर हम साथ चलते हैं। और केजरीवाल के द्वारा साफ तौर पर उनके पार्टी के द्वारा कह दिया गया है कि अगली मीटिंग अगर होती है तो उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि सब चीज़ सकारात्मक है, ऐतिहासिक बैठक हुई, आगे आने वाले दिन में बैठक होगी, सीटों पर बंटवारा होगा, लेकिन वैसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि जिस तरह से बैठकें हुई और बैठक के बाद स्टालिन हो, शरद पवार हो, ये केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, भगवत मान हो,
कई तमाम नेता आए हुए थे, वो ममता बनर्जी तमाम लोग यहाँ से गए, लेकिन आगे आने वाले दिन में दोनों सभी एक साथ आते हैं। लेकिन देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो ये जो बीच में डिफरेंस है ना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये दिल्ली से खिंचता हुआ पटना भी आ चुका था क्या। लेकिन बात अब ये होती है कि जहां पर सबको एकजुट करने की बात हो रही है, वहीं पर शिवानंद तिवारी खुद से अगर एकजुटता के अगेंस्ट जाके, क्योंकि केजरीवाल को भी तो साथ में मिलाना है ना, उसके अगेंस्ट जाके केजरीवाल को ही कह देते हैं कि आप नरेंद्र मोदी की तरह हैं, मतलब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि ये भी उनकी तरह ही ब्लैकमेलर है। देखिए पहले तो प्रधानमंत्री पर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए क्या कि प्रधानमंत्री देश के सभी के प्रधानमंत्री हो, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, और उस पर शिवानंद तिवारी इस तरह बोल रहे हैं कि वो ब्लैकमेलर है प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को वो बोल रहे हैं। फिर केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको ये बात बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए कि आपस में खींचतान है। कितना कहा जाए कि तमाम चीज़ें, कितना बड़े नेताओं के द्वारा कहा जाए कि तमाम चीज़ें ठीक है, सभी चीज़ सकारात्मक है, अच्छी बैठक हुई है, ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लालू यादव के बाद जो है स्थान अगर पार्टी में देखा जाए पार्टी के हिसाब से तो शिवानंद तिवारी का आएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनके बयान इस तरह से आ रहे हैं तो देखा जाए सभी चीज़ ठीक ठाक नहीं चल रहा। शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि हम नोटिस नहीं लेते हैं। अब कितनी बड़ी बात है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो और किसी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहे कि हम नोटिस नहीं लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है खींचतान जारी है और खींचतान आगे भी जारी रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, क्योंकि पार्टी का एक हेड तो होता है, जाता है, मिलता है, बुलाता है कि हमारे साथ आइए, और दूसरा जो शख्स है वही पार्टी के अंदर ये कह देता है कि हमें उनको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया रुपेंद्र मासा जुड़ने के लिए तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद हम अब बात करेंगे बिहार में पिछले 24 घंटे में जो अपराध की घटनाएं हुई हैं।